परमाणु ऊर्जा विभाग की ओर से मुहैया कराए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 2009 से 2013 के बीच 11 परमाणु वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौत हुई है। विभाग की प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों में कार्यरत 8 वैज्ञानिक और इंजीनियरों की विस्फोट में या समुद्र में डूबने से या फांसी पर लटकने से मौत हुई है। नेपाल में मधेशी आंदोलन के कारण भारत नेपाल मैत्री सेवा बंद की जा रही है। इन दिनों का काठमांडू के लिए 2 से 4 सवारियां ही मिल रही हैं। दक्षिण बिहार में पहले चरण का मतदान 12 अक्टूबर को होना है। ये इलाका रेड जोन के नाम से जाना जाता है। नक्सलियों ने चुनाव में गांव वालों से वोट न देने की अपील की है। दादरी कांड पर चुप्पी तोड़ते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हिंदू मुसलमान साथ काम करें, गरीबी के साथ लड़ें, गरीबी से लड़ें, और साथ ही कहा कि भड़काऊ बयान देने वालों से सावधान रहें। गांधी मैदान में खड़े होकर के कहा था, हमारे देश का भला तब होगा हिंदू और मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े, हम गरीबी को परास्त करें। दादरी कांड पर बोलते हुए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि दादरी कांड को 3 लोगों ने अंजाम दिया, साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया, हमें दादरी हिंसा पर दुख है। शक्तियों को फैलाने की साजिश कौन कर रहा है वो हम जानते हैं। अभी तो मेरे सामने 3 नाम आए हैं, ये सही है या गलत इसकी हम समीक्षा करें। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि साजिशों को रचने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, कुछ लोग प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। लंसी यादव ने कहा कि जांच के लिए बिसाहड़ा प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे, जांच के बाद ही सच सामने आएगा। सीबीआई ने यादव सिंह मामले में गाजियाबाद और नोएडा में 12 जगहों पर छापेमारी की गई। यादव सिंह के रिश्तेदारों के घर भी छापेमारी हुई। सत्रह के सेमीफाइनल की हम बात करें, यूपी में पंचायत चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान है। 74 जिलों के 218 ब्लॉकों में मतदान होना शुरू हो गया है। पहले चरण में 921 जिला पंचायत वार्डों में और 2022 क्षेत्र पंचायत वार्डों में मतदान होना है। बारामुखी के रामनगर इलाके में बीडीसी उम्मीदवार के पति ने अपनी पत्नी की जीत के लिए कुछ ऐसा कर लिया जिससे हर कोई सकते में आ गया। उम्मीदवार के पति ने अपनी जीप काटकर मंदिर में चढ़ा दी। त्रिस्तरीय पंचायत प्रक्रिया से किस कदर लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है इसकी बानगी रामपुर में देखने को मिली। जिले के 3 गांव ने मतदान से पहले ही वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए उन तक शराब पहुंचाने के मंसूबे को कन्नौज जिले की सदर कोतवाली पुलिस ने नाकाम कर दिया। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान सपा के व्यापार सभा जिला अध्यक्ष की स्टीकर लगी गाड़ी से देशी शराब की सैकड़ों बोतल बरामद की। सहारनपुर के कॉन्वेंट स्कूल में अंधविश्वास के साए ने सबको हिलाकर रख दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने दावा किया कि 7वीं के छात्र के सिर पर भूत आता है, जिसे प्रार्थना के जरिए उसने छात्र के सिर से उसे भूत को भगा दिया। गाजियाबाद की विजयनगर थाना पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। कानपुर में 4 अक्टूबर को पुलिस चौकी में रेप की शिकार हुई लड़की का मजाक बनाते हुए अभी तक मेडिकल नहीं करवाया गया, जिससे नाराज होकर पीड़िता के परिजनों ने चौकी पर हंगामा किया। अटल सिटी नोएडा अब खाकी के लिए भी महफूज नहीं है। बेखौफ बदमाश आए दिन यहां तांडव मचाते हैं। हद तो तब हो गई जब बदमाशों ने खाकी को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। कोतवाली थाना फेज 3 इलाके के गड़ी गांव में भूमाफियाओं के कब्जे से प्लॉट छुड़ाने गई पुलिस पर भूमाफियाओं और उसके समर्थकों ने हमला बोल दिया। एटीएम की एसटीएफ की वाराणसी टीम ने गाजीपुर से 3 छाते लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश एटीएम में पैसा भरने वाली कैश वैन को लूटने की फिराक में थे। एसटीएफ की टीम ने लुटेरों को सदर कोतवाली क्षेत्र के लंका चौराहे से गिरफ्तार किया है। कानपुर में दबंग किस कदर बेखौफ हो चले हैं इसकी बानगी नौबस्ता के यशोदा नगर में देखने को मिली। कानपुर में बिजली व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। दिन भर में 8 से 10 घंटे की अघोषित कटौती हो रही है। नेपाल सीमा से सटे दुधवा टाइगर रिजर्व में काम करने गए एक युवक के ऊपर अचानक बाघ ने हमला बोल दिया। आगरा में उत्तर भारत की प्रसिद्ध राम बारात की शुरुआत हो गई।